दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ कि कैसे एक 17 साल के लड़के ने एक बहुत बड़े राक्षस को सिर्फ अपनी गुलेल से मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है बाइबल की, जिसमें गोलियत और डेविड, जो डेविड एक 17 साल का बच्चा भेड़ चराने का काम करता था, बहुत दिनों बाद जब ये वापस लौट कर आया, अपने भाइयों से जब मिलने गया, तो उसने देखा कि उस इलाके पर एक गोलियत नाम के राक्षस का बहुत खौफ था। उसने देखा कि उसके भाई, आस पड़ोस के जितने भी लोग थे, सब बहुत डरे हुए थे। जब उस 17 साल के बच्चे ने अपने भाई से सवाल किया कि आप इस राक्षस से इतने डरते क्यों हो, इसका मुकाबला क्यों नहीं करते, तो उसके भाई ने जवाब दिया, दिखता नहीं है कितना बड़ा है, हम कैसे इतने बड़े का हम सामना कर पाएंगे, कितना खतरनाक है। तब जो एक बात उस 17 साल के बच्चे ने बोली, वो अगर आपने समझ ली तो आप जिंदगी में किसी भी मुश्किल में, किसी भी मुसीबत के वक्त नेगेटिव नहीं सोचेंगे। आप हर एक मुश्किल का सामना करने की काबिलियत रखेंगे, एक हर एक प्रॉब्लम को आप बहुत इजीली फेस कर पाएंगे। उस 17 साल के बच्चे ने बोला, आपको ये दिख रहा है कि ये राक्षस बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये राक्षस बहुत बड़ा है इसलिए इस पे लगाया हुआ निशाना चूकेगा ही नहीं। लोगों को दिख रहा था कि इतने बड़े राक्षस को मारा कैसे जाए, लेकिन डेविड 17 साल के बच्चे ने देखा कि ये राक्षस इतना बड़ा है कि इसके ऊपर अगर किसी भी चीज से निशाना लगाया जाए तो वो निशाना चूकेगा ही नहीं और इस राक्षस का मरना तय है। उसके बाद उस बच्चे ने सिर्फ गुलेल से उस राक्षस को मार गिराया और सभी लोगों को उसके खौफ से आजाद किया। ये 17 साल के बच्चे ने जो एक बात बोली, वो आपकी जिंदगी के हर एक पहलू पर बहुत सटीक बैठती है। जिंदगी में मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन आपको ये देखना है कि उस मुश्किल में, उस बुरे वक्त में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या चीज है जो आपको पॉजिटिव ले जाकर उस प्रॉब्लम से निकाल सकती है और उसका आपको फायदा भी दे सकती है। तो सारा खेल आपके माइंडसेट का है, सोचना और अपनी लाइफ में इस चीज को अप्लाई जरूर करना, ताकि आप हमेशा हर मुश्किल का सामना बहुत इजीली कर पाएं।